अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? लोग सब खैरियत हैं? सब ठीक ठाक? तो भाई आज के बारे में, आज क्या टॉपिक? वही न्यू हेयर लोशन के बारे में। आज मैं सिर्फ इसके बारे में एक ये बताने वाला हूँ। मेरे कई सारे मेरे पास मैसेज वगैरह आए, कॉल वॉल मेरे पास होता ही, तो वो यही पूछ रहे थे कि यार अजीम भाई ये बताओ कि कैसे इस्तेमाल करें यार, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या है ये असली नकली, इस तरह से ये सारे सवाल। तो भाई असली का तो खैर ये है, मुझे पता नहीं, बहरहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये न्यू हेयर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है एक तो ये, ठीक है, और दूसरा इसके पीछे ये ग्रीन फेल्स वगैरह पता नहीं, नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट बैंकॉक। तो मैं ये बैंकॉक वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी सही गलत की क्या, बस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अक्सर जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो यही है कि इसका कलर थोड़ा डार्क होता है दूसरे के मुकाबले, ठीक है, और सिंगल लाइन में ये हेयर ट्रीटमेंट लिखा होता है। तीसरी बात, इस पर यहाँ बैंकॉक लिखा होता है, और यहाँ तीसरी जगह ये बैंकॉक की लैंग्वेज है, पता नहीं उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाई कोई सा भी शैम्पू ले ले, हर्बल शैम्पू, जो भी शैम्पू जिसके पास हो, हर्बल शैम्पू बिना केमिकल वाला, नहीं हो तो जॉनसन बेबी या नोने जॉनसन जो भी आता है, या जॉनसन बेबी ये वाला शैम्पू ले ले। इससे क्या है, थोड़ा सा हमें ये लेना है शैम्पू, इससे सर पे मल के अच्छे से पानी से धो लेना है सर। उसके बाद टॉवल से अच्छे से सुखा के, जब बिल्कुल सूख जाए बाल, बालों में नमी नहीं रहनी चाहिए, बाल सूख जाए अच्छे से, उसके बाद हमें क्या है, डर्मा रोलर करना है। यानी कि डर्मा रोलर एक साइड में भाई कम से कम 10 मरतबा, 8 या 10 मरतबा, दूसरी साइड में इस तरह से, हर हर बार एक लाइन में, यानी कि 8-10 मरतबा हमें करना है, ठीक है, एक लाइन में 10, 8, 10 इस तरह से पूरे सर पे। फिर उसके बाद ये एक लाइन में 8-10 बार, 8-10 बार करते करते पूरे सर पे लेके आ जाना है, जहां जहां बाल नहीं है वहां पे लेके आना है, इसको इस तरह से करना है, ठीक है। जब ये कर लो, उसके बाद हमें ये लोशन लगाना है, लोशन लेना है और इसको सर पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जहां जहां मतलब हमें मारना है वहां वहां मार के इसको लोशन को अच्छे से इस तरह से, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं मारना है, खिच खिच करके बहुत ज्यादा मार लो तो हमें ज्यादा नहीं मारना, थोड़ा थोड़ा मारना है, फिर हल्के हल्के मसाज कर लेनी है, ठीक है, जड़ों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिर ऐसे ही ये डर्मा रोलर मारना है, दवाई मारने के बाद, दवाई मारने के फौरन बाद वही जो मैंने बताया, एक एक जगह 10, 8-10 मरतबा, फिर इस तरह से, तो जैसे मैंने बताया था पहले, इस तरह से आपको मारना है ये डर्मा रोलर, एक जगह 10 मरतबा, दूसरी जगह फिर 10 मरतबा, इस तरह से करते करते फिर अपोजिट इस तरह से ये हमें मार लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हल्की हल्की थोड़ी 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 दवाई मार के फिर हल्की जड़ों में पहुंचा के बस अब रोक देना है। अब रात को इस तरह से कर लो, ठीक है, फिर अगले दिन सुबह में सर को वॉश कर लो। डर्मा रोलर करने की जरूरत नहीं भाई, एक वक्त में काफी है डर्मा रोलर, डॉक्टर भी मना करते हैं, यानी कि वो तो ये बोलते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार ही बहुत है, ठीक है, डर्मा रोलर तो हमें जो है सिर्फ दिन में एक बार कर लो काफी है। जिन्होंने सर को बिल्कुल मतलब मशीन लगवा ली है, ट्रिमर करा ली है, तो 0.5 mm का उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जैसे थोड़े मेरे सर पे बाल होगा इस कंडीशन में, 1 mm का अच्छा रहेगा, तो 1 mm का मंगा लो, और अगर गंजे होकर लगा रहे हो तो 0.5 mm का काफी है, अगली बार मंगाओ तो 1 mm का मंगा लो, ठीक है भाई। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका है, दोनों वक्त इस तरह से करना है, एक वक्त डर्मा रोलर मारो, फिर उसके बाद दवाई मारनी है, ठीक है, उसके बाद डर्मा रोलर मारना, फिर दोबारा हल्की सी फिर दवाई, बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, अगले दिन बस सर धो, सर दोनों वक्त धोना है, ठीक है, लगाने से पहले सर धोना है, सर को धो के और क्या बोलते हैं ये लोशन लगा लेना जड़ों में अच्छे से। तो इस तरह से करो, और बाकी अल्लाह मालिक है, देखो क्या रिजल्ट आता है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ और आपको बताता रहूँगा क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, मुझसे मुझे मैसेज कर सकते हो, यार कॉल मत क्या करो, ईमो पे व्हाट्सएप पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मुझे मैसेज डाल दे करो, ठीक है, मैं खुद बता दूंगा जैसे बताना है, या मैं बता दूँ किस टाइम कॉल करनी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस यार जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है भाई, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़।